Hello students, how are you? I am Ashu, your teacher. I hope you are in good spirit. Today we will do a poem, I am lucky, from your English textbook, Marigold. बच्चों ये पोयम हमें इमेजिन करने के लिए कह रही है कि तुम एक हाथी हो। अब बच्चों तुम किस चीज पे गर्व करोगे? क्या चीज तुम्हारे पास यूनिक है, मतलब अलग है? बच्चों हाथी के पास उसकी सूंड सबसे अलग होती है, मतलब यूनिक होती है। ऐसे ही तितली है, उसके पास सुंदर पंख होते हैं जिससे वो उड़ सकती है। मछली है, पानी में रह सकती है, पर हम नहीं रह सकते। तो आओ हम इस पोयम को रिसाइट और लर्न करें। If I were a butterfly, I would be thankful for my wings. If I were a myna in a tree, I would be thankful that I could sing. If I were a fish in the sea, I would be thankful that I can wriggle and giggle with glee. So I just think I am lucky to be me, not you but me. Ab if I were a butterfly, इसमें जो पॉइंट है वो इमेजिन कर रहा है कि मैं एक एनिमल होता, बर्ड या इंसेक्ट्स होता, तो किस चीज के लिए मैं थैंकफुल होता, तो उसी को लेकर उसने ये पोयम लिखी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इफ आई वर अ बटरफ्लाई, अगर वो सोच रहे कि मैं तितली होता तो आई वुड बी थैंकफुल, मैं थैंकफुल होता किसके लिए? फॉर माय विंग्स, क्योंकि जो उसके जो विंग्स हैं कितने ब्राइट हैं, सुंदर होते हैं और उन्हीं से वो उड़ सकता है, तो उसी के लिए वो थैंकफुल होता। इफ आई वर अ मैना, अगर मैं पेड़ पे बैठी एक मैना होती, मतलब मैना, तो आई वुड बी थैंकफुल, किस चीज के लिए थैंकफुल होता? दैट आई कुड सिंग, कि मैं उसकी तरह कितना सुरीला गा सकता हूँ। If I were a fish in the sea, अगर मैं एक मछली होता, मछली क्या कर सकती है? पानी में रह सकती है, तो I would be thankful, मैं thankful होता that I can wriggle and giggle with glee. Wriggle मतलब मैं लौट सकता और giggle मस्ती कर सकता, खुश हो सकता बहुत। तो पानी में मछली कितने ट्विस्ट करती है, कितना लौटती है, खुश रहती है, तो मैं उसी के लिए, फिश होने के लिए ही बहुत thankful फील करता। So I just think, a point कह रहे हैं कि मैं सोचता हूँ, I am lucky to be me, कि मैं जैसा हूँ, not you, तुम्हारी तरह नहीं, but me, मैं जैसा हूँ, मैं उसी के लिए बहुत lucky feel करता। If I were an elephant, I would be thankful that I can raise my trunk. If I were a kangaroo, I would try to go right up to the moon. If I were an octopus, I would be thankful for my 8 arms. So I just think I am lucky to be me, not you but me. What do you think you want to be? Do you want to be like me or just you? Just you. अब वो पॉइंट कह रहा है कि अगर मैं एक एलिफेंट होता, अब मैंने आपको शुरू में बताया एलिफेंट के पास उसकी यूनिक क्या चीज है, उसकी ट्रंक है, सूंड है, तो उसी के लिए मैं थैंकफुल होता है कि मैं अपनी सूंड को उठा सकता। If I were a kangaroo, अगर मैं कैंगरू होता तो किस चीज के लिए थैंकफुल होता? कि मैं उसकी तरह उछल उछल के I would try to hop right up to the moon, मैं सीधे चांद पर पहुंच जाता। If I were an octopus, अगर मैं ऑक्टोपस होता तो I would be thankful, मैं thankful feel करता अपनी 8 arms के लिए, for my 8 arms, क्योंकि ऑक्टोपस है वो 8 arms वाली फिश भी कही जाती है। So I just think, इसलिए मैं सोचता हूँ, I am lucky to be me, मैं जैसा हूँ, not you, तुम्हारी तरह नहीं, but me, मैं जैसा हूँ, मैं उसी के लिए बहुत lucky feel करता। What do you think you want to be? तुम कैसा बनना चाहते हो? Do you want to be like me? Point कहते हैं कि तुम मेरी तरह बनना चाहते हो? Or just you? ये तुम जैसे हो वैसे ही रहना चाहते हो? Or just you? Just you? तो बच्चों हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान ने हमें कुछ यूनिक क्वालिटीज दी हैं। जैसे कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, कोई ड्राइंग बहुत अच्छी कर सकता है और कोई बहुत अच्छा खेल सकता है, तो वैसे ही हर किसी को कोई ना कोई यूनिक क्वालिटी हर किसी में होती है, तो उसी पे हमें गर्व करना चाहिए और गॉड के लिए थैंकफुल फील करना चाहिए।
तो अब इसमें कुछ न्यू वर्ड्स हैं, जैसे बटरफ्लाई, मैना, फिश, कैंगरू एंड ऑक्टोपस। तो बटरफ्लाई तितली, मैना मैना, फिश मछली, कैंगरू कंगारू कूदने वाला जानवर और ऑक्टोपस आठ पैरों वाली मछली ऑक्टोपस। रीडिंग इज फन, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। अब इन सेंटेंस को कंप्लीट करो। यहाँ कुछ एनिमल्स हैं और उनके एक्शन हैं। जैसे अ बटरफ्लाई कैन फ्लाई उड़ सकती है, अ मैना कैन सिंग गा सकती है, अ फिश कैन रिगल लौट सकती है, एन एलिफेंट जो एलिफेंट है कैन रेज हिज ट्रंक अपनी सूंड को उठा सकता है, अ कैंगरू कैन होप उछल सकता है, और यू तुम क्या कर सकते हो, कैन रीड तुम पढ़ सकते हो। ये तुम्हारी यूनिक क्वालिटी है। कंप्लीट द पिक्चर्स एंड लेबल देम। इस पिक्चर को कंप्लीट करो एंड लेबल देम। ई से ईयर, टी से ट्रंक, यहाँ दो ईयर्स है तो हमने ईयर्स लिख दिया, यहाँ लेग्स है, एल से लेग्स और टी से टेल। लेट्स राइट एंड एक्ट। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ कुछ वर्ड्स नीचे दिए हुए हैं, उसी से लेकर हमने ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। If I were a kangaroo, I would hoop, मैं उछल सकता। If I were a tiger, I would roar, roar मतलब दहाड़ सकता। If I were a fish, I would swim, मैं तैर सकता। If I were a bird, I would fly, मैं उड़ सकता। Add full to the words given in bracket and complete the sentence. आपने सिर्फ इसमें जैसे कुछ वर्ड दिए हुए help, color, play, तो आपने सिर्फ full लगाकर ये वर्ड कंप्लीट करना है। You must be dash to your friends help helpful. You must be helpful to your friends. ऐसे ही make a colorful drawing. The puppy is so playful. Be careful while crossing the road. अब नेक्स्ट है join the two words to make one words. One word, look at the example. अब जैसे एक पहले example दिया हुआ है peace plus full. अब इन दो word को join करके एक word बनाया हुआ है peaceful. तो वैसे ही ये सब word आपने join करके आपने खुद से बनाने हैं. Play plus full, color plus full, care plus full और hope plus full. Write five things you can do. Start with I can. कुछ पांच चीजें लिखनी है जो आप कर सकते हो, जैसे I can read, पढ़ सकते हैं, I can play, I can run, I can write, I can dance, I can eat. पर अब आगे है I cannot, जो नहीं कर सकते। I cannot fly, उड़ नहीं सकते, but I can run, दौड़ सकते हैं। I cannot crawl, रेंग नहीं सकते, but I can walk, चल सकते हैं। I cannot cheer, चहचहा नहीं सकते, but I can sing, हम गा सकते हैं। Give yourself a big star for being what you are, for myself. ये आपने खुद से बच्चों अपने आप के बारे में कुछ lines लिखनी है। Let's talk question and answer. Why do you think the butterfly likes its wings? तुम क्यों सोचते हो कि जो butterfly है अपने पंखों को पसंद करती है? I think the butterfly likes its wing because they look beautiful and she can fly with these wings. क्योंकि वे बहुत सुंदर होते हैं और उन्हीं से वह उड़ सकती है। What can the mina do? मैना जो है वो क्या कर सकती है? हम सबको बता क्या कर सकती है? The mina can sing. mina क्या कर सकती है? सुरीला गा सकती है। What can you do? Sing, paint, write. तुम क्या कर सकती हो? गा सकती हो, पेंट कर सकती हो, लिख सकती हो। तो हम तो सभी कुछ कर सकते हैं। I can sing, paint and also write. Do you think the fish was really happy to be in the water? क्या तुम सोचते हो कि जो फिश है वो सच में पानी में बहुत खुश थी? Yes, I think the fish was really happy to be in the water. हाँ, वो बहुत खुश थी। थैंक यू। और ये सब बच्चों आपने अपनी नोटबुक में काम करना है।